पाकिस्तानी शोबिज़ और फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कई शादियां हैं जो हुई तो लगा कि जैसे इनके दरमियान जुदाई का लफ्ज़ लाना भी जुर्म है, लेकिन बहुत जल्द इनके रास्ते जुदा हो गए, लेकिन आज तक इनकी जुदाई की वजूहात सामने नहीं आ सकी। आइए चंद स्टार जोड़ों के बारे में जानते हैं जिनकी शादी के बाद बहुत जल्द तलाक हो गई। फिल्म स्टार बाबरा शरीफ ने अपने करियर के आगाज़ में बहुत कम उम्री में फिल्म स्टार शाहिद को अपनी ज़िंदगी का साथी चुना, लेकिन ये शादी 2 महीने ही चल सकी और 2 माह बाद इन दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। बाबरा शरीफ ने इसके बाद फिर कभी शादी नहीं की और वह अपने इस फैसले को बहुत ही अहमकाना फैसला तस्वर करती हैं। इनकी कोई औलाद नहीं और बाबरा शरीफ अपने घर में कुछ पालतू जानवरों की देखभाल में वक्त गुजारती हैं। ज़ेबा बख्तियार और अदनान समी खान की जोड़ी शोबिज़ इंडस्ट्री की बहुत ही कामयाब और खूबसूरत जोड़ी समझी जाती थी। उम्र के फ़र्क के बावजूद इनकी मोहब्बत में कोई झोल नज़र नहीं आता था। जब ये जोड़ी फिल्म सरगम में नजर आई तो लगता था कि इन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये शादी सिर्फ 3 साल तक चली और एक बेटे के बावजूद अलहदगी हो गई। आज अदनान समी खान तो अपनी नई ज़िंदगी में मगन है और इसके बाद भी इन्होंने 2 शादियाँ की, लेकिन ज़ेबा बख्तियार अपने बेटे की ज़िंदगी को भरपूर अंदाज में एंजॉय कर रही हैं। याद रहे कि ज़ेबा बख्तियार ने पहली शादी भारतीय अदाकार जावेद जाफरी से सन 1989 में की, जो 1 साल बाद ही इख्तिताम पजीर हो गए। दूसरी शादी सन 1991 में सलमा बलियानी नामी शख्स से की और वो भी 1 बरस बाद अंजाम को पहुंची। सन 1993 में ज़ेबा ने तीसरी शादी अदनान समी से की, जो सन 1997 तक कायम रही। नवीन वकार और अजफर की शादी यूं भी आवाम की पसंदीदा शादियों में से तो नहीं थी, लेकिन फिर भी जब दो लोगों के दरमियान रिश्ता बन जाता है तो लोग इसके ख़त्म होने का नहीं सोचते। बदकिस्मती से नवीन वकार और अजफर की शादी सिर्फ 3 साल ही चल सकी और फिर नवीन ने अपने रास्ते अलग कर लिए। वो भी इस बारे में कोई बात नहीं करती क्योंकि इनका इमेज इस शादी के बाद लोगों के दिलों में कुछ अच्छा नहीं रहा। जाना मलिक और नुमान जावेद की शादी क्या हुई, लगता था कि मॉर्निंग शोज़ को एक नया हंगामा मिल गया। अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए नुमान जावेद और जाना मलिक ने अपने मिलने का ड्रामाई किस्सा कुछ ऐसे सुनाया कि लोगों को लगा कि क़यामत तक ये एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ये शादी 1 साल भी न चल पाई और जाना मलिक ने दावा किया कि नुमान जावेद इनकी ज़रूरतों और अखराजात को पूरा करने से कासिर है और ऐसी सूरत में वो अपनी ज़िंदगी ऐसे इंसान के साथ गुजारने की गलती नहीं करेंगी। जाना मलिक के इस रवैये से एहसास हुआ कि जल्दबाजी में की जाने वाली शादी थी और दोनों ने एक दूसरे के बारे में सही से जाने बगैर ही रिश्ता जोड़ लिया, क्योंकि फरीहा परवेज़ ने भी नुमान जावेद से तलाक का यही सबब बताया था कि नुमान इनके अखराजात उठाने से कासिर थे। जीनत मंगी के बाद अदाकार जावेद शेख ने दूसरी शादी सलमा आगा से की, ताहम ये सलमा आगा की पहली शादी थी। शादी के बाद जावेद शेख ने अपनी पहली बीवी जीनत मंगी और बच्चों को छोड़कर सलमा आगा के साथ मुंबई भारत में रिहाइश इख्तियार कर ली और इस दौरान इन्हें रेखा के साथ काम करने की ऑफ़र हुई, जो सलमा आगा के एतराज़ की वजह से जावेद शेख ने ठुकरा दी। इख्तिलाफात जब बढ़ने लगे तो ये शादी कुछ अरसे बाद ही टूट गई और फिर जावेद शेख वापस अपनी पहली बीवी और बच्चों के पास आ गए। पाकिस्तान की मशहूर अदाकारा माहिरा खान सन 2001 में 15 साल की उम्र में अली अस्करी से मिली। दोनों ने 6 साल मोहब्बत में गिरफ्तार रहने के बाद सन 2007 में शादी कर ली। इनके यहाँ एक बेटा अज़लान पैदा हुआ। सन 2012 में जब माहिरा का सितारा चमकना शुरू हुआ और वह तेज़ी से शोहरत की सीढ़ियाँ चढ़ने लगीं, तब इस जोड़े के दरमियान माहिरा की बढ़ती हुई शोबिज़ मसरूफियात के बायस ताल्लुकात बिगड़ने लगे और बिलाखिर इनकी शादी टूट गई और माहिरा अपने बेटे को लेकर वालिदैन के घर शिफ्ट हो गई। मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ ने पहली शादी शोबे से बाहर एक घरेलू लड़की से की, जो कामयाब न हो सकी। इन्होंने दूसरी शादी अपनी साथी अदाकारा शकीला कुरैशी से की, मगर बदकिस्मती से ये शादी निभाने में भी नाकाम रहे। सन 2005 में इन्होंने एक बार फिर कोशिश करते हुए स्टेज अदाकारा ज़रीन गुल से शादी की। इस बार किस्मत ने उमर शरीफ का साथ दिया और इनकी ये तीसरी कोशिश कारगर साबित हुई। ये जोड़ा खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार रहा है। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।